हरियाणा की मंडियों में धान की आवक जोरों पर है, जबकि लिफ्टिंग में देरी से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। कई किसानों ने अभी भी धान के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और सरकार ने उन्हें 4 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की अनुमति दी है। हरियाणा की अन्य अनाज मंडियों की तरह यमुनानगर अनाज मंडी में धान के ढेर लगे हैं और सभी 13 अनाज मंडियों में से धान का उठान किया जा रहा है, लेकिन जितना धान आ रहा है उस हिसाब से उठान कम हो रहा है। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि धान के लिए 82 किसानों ने आवेदन किया है, जो हरियाणा में सर्वाधिक है। जो किसान अभी तक पोर्टल पर आवेदन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, उनके लिए पोर्टल 14 से 17 अक्टूबर तक खुलेगा। इस पोर्टल पर किसान अपनी समस्याएं और त्रुटियां भी दूर कर सकता है। उन्होंने माना कि अधिक धान उठान में कुछ विलम्ब हो रहा है, जिसमें तेजी लाई जाएगी। नगर जिले में करीबन 82% जो रजिस्ट्रेशन हुई है और ये हरियाणा राज्य में वन ऑफ द हाईएस्ट जो है रजिस्ट्रेशन हुए किसी भी जिले में। उसके अलावा जो है हरियाणा सरकार ने MFMB पोर्टल जो है उसको नई रजिस्ट्रेशन के लिए 14 से आज से जो है 17 तारीख तक ये खोला है। तो जो हमारे किसान साथी थे जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे किसी वजह से, मैं हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उन छायाकार बंधु हैं उनके द्वारा जो है ये संदेश हरियाणा सरकार का जो भी मैसेज है ये सूचना उनके द्वारा पहुँचाना चाहूँगा कि जो भी हमारे किसान साथी जिनके रजिस्ट्रेशन की वजह से नहीं हो पाया वो इस समय में 14 आज से लेकर 17 तारीख तक वो MFMB पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर पीछे सडोरा मामला दर्ज हुआ, बिलासपुर हुआ, जो मंडी सेक्टर के करनाल बहुत बड़ा घपला हुआ, तो ये इस तरह की जो नियमितता ना हो, ना कोई ठगाठ हो रही, तो इसके लिए क्या करेंगे सर? सर दोनों में कौन सा मामला है? ये मुद्दा जो बोल रहे हैं ग्रीवांसेस का जो मुद्दा है कि कहीं पे किस जो है पोर्टल पे किसी और ने रजिस्ट्री करा दी और किसी साथ जो है किसी किसान का जो रकबा कम हो गया या जो फसल है वो सही नहीं आई उसमें, तो उसके लिए हेलो जो है अलग अलग इसमें आ रही है कि किसी और ने रजिस्ट्रेशन करा दिया किसी और का, रकबा कहीं किसी कम हो रहा है, किसी किसान साथी का जो है फसल कुछ और दिख रही है, तो ग्रीवांसेस के लिए भी जो है ये पोर्टल खुला हुआ है। इसमें क्या है कि जो जो भी किसान हमारे साथी है उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो जैसे है जिस पोर्टल पर जैसे रजिस्ट्रेशन कराया उसी पोर्टल पर जाके वो अपनी ग्रीवांसेस दर्ज करा सकते हैं और वो ग्रीवांसेस जो है वो CRO लेवल पे यानी तहसील लेवल पे उसका समाधान हो रहा है। तो उसके जो ग्रीवांसेस जैसे आप बात कर रहे हैं वो इस प्रावधान से CRO लेवल पे ही वो निपटाई जा रही है।